सो हाई गाइज, वेलकम टू माई ब्लॉग चैनल। सो गाइज, फाइनली न्यू ब्लॉग के साथ हम शुरुआत करते हैं। और आज का दिन ऐसा है कि थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, और मतलब आज हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी रहेगा आज का ब्लॉग आप लोग के सामने होगा। और अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, तो चलो फटाफट से नहा लेते हैं। एंड मैं नहाऊँगा कहाँ, यहाँ। तो अब अगर आप लोग को देखना है तो चलो मैं शूट कर लूँगा इस चीज़ का भी, ठीक है। बाकी घर में बहुत सारे लोग आ रखे हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो चलो फटाफट से पहले मैं नहा लूँ, रेडी हो जाऊँ, फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं नहा चुका हूँ और अभी नहा कर रेडी हो गया हूँ, और अब जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि नाश्ता करके ही निकलेंगे। सो खाने में आई डोंट नो व्हाट कर रहे। चलो मैं खा पी लूँ, उसके बाद मैं आपसे आगे मिलता हूँ। सो गाइस, फाइनली गाड़ी आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने लोग बैठे पड़े हैं यहाँ पर पूरी। सो गाइस, उसके बाद मैं यहाँ से, हम लोग सारे लोग पूरी फैमिली यहाँ से निकल गए थे, ठीक है। और यहाँ से निकलते ही भाई मतलब मज़ा आ रहा था कि अब चलो कुछ फैमिली ट्रिप के लिए हम निकल चुके हैं। एंड मैं अभी आपको बताऊँगा अभी हम जा कर रहे हैं। बाकी देखो ये कुछ इस टाइप की लोकेशन थी। और गाइस, यहाँ जाकर ना एक चीज़ और, यहाँ पे ना नेटवर्क ख़त्म हो जाते हैं यहाँ से जाते ही, ठीक है। तो फिर फाइनली यहाँ पर एंटर हो गए थे। सो गाइस, फाइनली अब मैं आपको बताता हूँ, हम आ गए हैं नेपाल में। और नेपाल में कहाँ आए हैं, जहाँ पर माता सीता और श्री राम जी का यहाँ पर वो हुआ शादी वगैरह, एंड और जो मंदिर है यहाँ पर वहाँ रखे हैं। और मंदिर हम आए हैं ऐसे टाइम पे कि यहाँ नेपाल में एंटर हम गलत टाइम पे कर चुके थे, क्योंकि यहाँ की टाइमिंग वगैरह है, ठीक है। तो ये इनका मंदिर है जो कि बंद है अभी, क्योंकि नहीं हो पाए दर्शन। फिर ये दूसरा मंदिर है जहाँ पर हम गए थे, और यहाँ पर बहुत अच्छे से बना रखा है। देखो ये माता सीता और राम जी की शादी की है, और ये सारे उनके अगल बगल में जो जो लोग वहाँ पे थे जब जिस टाइम पे हुई थी शादी, वो सारे लोग हैं, सारे भगवान हैं। फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद हम एक और मंदिर पहुँच गए, जहाँ पर यहाँ पर इनका मतलब हुआ था, मतलब जहाँ से जैसे होता नहीं है शादी में हवन में चलते हैं एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ हुआ है। तो गाइज़, यहाँ पर बहुत सारे पंडित वगैरह बैठे हुए थे, और यहाँ पे गाना वगैरह भी चल रहा था, सीताराम सीताराम। तो थोड़ी देर मैं यहाँ पर घूमा फिरा, और ये हवन कुंड है, देख सकते हो आप गाइज, बहुत ही अच्छा बना रखा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम नेपाल को भी कवर करते हैं, इसलिए मैंने छोटा सा प्यारा सा आप लोगों के लिए व्लॉग बना लिया, और साथ में मैंने भी सीताराम सीताराम के थोड़े बहुत नारे लगा लिए। एंड फिर फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी टाइमिंग का खेल है। आप 12 बजे अगर पहुँचोगे तो आपको 4 बजे से पहले वापस निकलना है, तो कुछ ऐसा रहता है यहाँ पे। इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी दर्शन करके फाइनली निकल गए। सो गाइज, फाइनली हम नेपाल घूम चुके हैं, अच्छे से कवर करा था, लेकिन मैंने वीडियो शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, बोलेंगे कि यार क्या दिखा रहा है क्या नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा था। लेकिन हाँ, ये था कि 2-3 मिनट का व्लॉग मैंने कवर करा था आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि यार किंजल का मुझे कॉल आया था आप लोगों को, आई थिंक वीडियो डल गई होगी, उसने डाल दिया होगा। तो उसने मुझे कॉल करके सारी बातें बोली थी, और उसने मुझे मिलने के लिए बोला है। तो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप लोग के बिना पूछे, आप लोगों से बिना पूछे मैं नहीं करने वाला कुछ भी काम, तो आप लोग ज़रूर बताना। बाकी गाइज, एक चीज़ और मैं बोलूँगा आप लोगों से कि मैं दिल्ली आ चुका हूँ, ठीक है। एंड यार, वहाँ गांव में रह कर ना मेरा वेट पता है कितना ज़्यादा कम हो गया था, वेट वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है वहाँ पर, तो इस वजह से वेट भी इतना कम हो गया है कि वापस रिकवर करने में मुझे टाइम लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि आप लोग कमेंट करके जरूर जाना कि करना क्या है, मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ये चीज़। और गाइस, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई फिर से इनका ड्रामा चालू हो गया, ये वो है, ये वो है, लेकिन मैंने भी कुछ चीज़ें माइंड में लगाई कि चलो भाई, जब ख़त्म कर ही रखा है हर चीज़, तो एक बार मिल के ख़त्म मतलब फाइनल करते हैं, क्योंकि कोई अगर पीछे पड़ रहा है बार 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 बार, तो मैं भाई, मेरा दिल तो ऐसा ही है कि चल कोई नहीं, मिल ले यार, कोई नहीं, मतलब हमेशा ही रहता है मेरे अंदर, चल कोई नहीं, तो वो चीज़ है। बाकी आप लोगों के भी कमेंट्स मैंने देखे थे, उसने वीडियो जब डाले थे तो आप लोगों ने भी बोला था, और बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते कि भाई कोई नहीं, एक बार ही मिल लो, बस मिलने में क्या जा रहा है। तो आप लोग एक बार और फिर से कमेंट करके ज़रूर बताना कि मिलना चाहिए या नहीं। बाकी अब का सीन ये है कि इतने दिनों बाद व्लॉग इसलिए आया है क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में फंसा हुआ था गाँव, इस वजह से मैं खुद उड़ता हुआ आया हूँ जल्दी से जल्दी में, तो इसकी फ़ोटो देख लो, उड़ता हुआ आया हूँ, मतलब वही फ्लाइट से। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखो, घर पे सेफ रहो।